ओके, तो मैंने अपने सिस्टम को रिस्टार्ट किया है और अब मैं यहां से ब्राउजर ओपन करता हूं। तो जो ही मैंने पहले ब्राउजर ओपन किया था तो मेरे पास यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन का आ गया था यहाँ पे कि आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की एक्सटेंशन को ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एनेबल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास वो एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। तो ऐड एक्सटेंशन को देखने के लिए मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करें तो मेरे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की एक्सटेंशन मेरे पास ऐड हो चुकी है। ओके, तो मैं यहाँ से अब मैं जाता हूँ प्लेट डॉट पी के वीडियो को डाउनलोड करने के लिए और मैं बस यहाँ पे एक वीडियो सामने पड़ी मैं इसी को क्लिक करता हूँ। देखता हूँ कि मेरे पास ये एक्सटेंशन काम कर रही है, मेन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया डाउनलोड दिस वीडियो, मैंने जस्ट इस पर क्लिक करना है और स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक करना है तो मेरे पास ये वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये वीडियो डाउनलोड कहाँ पे होगी, आप यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड के ऑप्शन में देखिए कंप्रेस, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, प्रोग्राम एंड वीडियो, सारी चीजें। जब डॉक कंप्रेस फाइल में डाउनलोड करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और म्यूजिक यहाँ पे, प्रोग्राम एंड वीडियो यहाँ पे डाउनलोड जो होगी यहाँ पे आ जाएगी। स्पीड भी इसकी देखें अच्छी स्पीड है इसकी। इसके अलावा आप फॉर एग्जाम्पल मैं डेली मोशन में जाता हूँ, किसी भी वीडियो साइट में जाए, जाने के बाद आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी वीडियो। ये मैं इसको करता हूँ डाउनलोड। अब ये भी इसके साथ भी ऐड हो जाएगी। किसी भी वेबसाइट में अगर कोई वीडियो है आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी वीडियो को प्राइवेसी लगी हुई है को आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो वो नहीं होगी डाउनलोड, अदरवाइज जितनी भी वीडियोज हैं ये सारी की सारी डाउनलोड आप कर सकते हैं। वीडियो ऑडियो डाउनलोड दिस वीडियो में क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये वाली वीडियो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड दिस वीडियो पे क्लिक करूँ, अब इसकी देखें क्वालिटी सी साइज आ रहे हैं कितनी, आप देखें अच्छी क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि इसकी आप क्वालिटी जो है तो HD क्वालिटी में देखें 1080 पिक्सल है। क्लिक करेंगे तो 1080 पिक्सल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 1080 पिक्सल यहाँ पे देखें। तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये जब डाउनलोड होगी तो ये 1080 पिक्सल में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल फाइल ऐप हो जाता हूँ, डाउनलोड हो रहे हैं मेरे पास, क्लोज कैंसिल करता हूँ, पास एंड क्लोज कर देता हूँ। तो आप डाउनलोड करके देख लें अपनी वीडियो को, और एक वीडियो मेरे पास डाउनलोड हो रही है, 97% हो चुकी है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, वीडियो वाले फोल्डर में आइए, देखें डाउनलोड वीडियो वाले फोल्डर में, और क्लिक करता हूँ यहाँ पे फाइल ऐप में जाके अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने, तो सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करें, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने अगर डाउनलोड करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है सी क्लीनर, इसी को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, सी क्लीनर पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करता हूँ और ये भी आपका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई PDF फॉर्मेट में फाइल है, कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी चीजें तो आपकी आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मेरे पास डाउनलोड होगी ये प्रोग्राम में होगी क्योंकि ये प्रोग्राम है। स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक करता हूँ, स्पीड चेक करें अच्छी स्पीड है इसकी और डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है सॉफ्टवेयर। तो ये जी आपका कुछ टेक्निक्स थी कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और थ्रू आप IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के, और उसके अलावा आप यूटोरेंट के जरिए आप कैसे अपनी वीडियोस वगैरह या मूवीज वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।